दोस्तों नमस्कार, ये वक्त है शाम का। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 6:15 बजे और मौसम ने अचानक अपना रूप बदल दिया है, क्योंकि ये दिन में बहुत गर्मी हो रही थी 2-4 दिनों से, अब शाम को एकदम ठंडा होने लगा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैकेट लगा पहन ली है और आज हमारे गाँव में है महिला संगीत और मौसम बिल्कुल हो गया बारिश जैसा, एकदम ठंडा मौसम और हवा भी चल रही है। तो ऐसे मौसम में देखते हैं कैसे होगा खाना पीना और उनका प्रोग्राम। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बारिश ना हो तब अच्छा है, किसी कोई भी फंक्शन हुआ अगर बारिश हो जाती तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। और आज डीजे भी लगा रखा है गांव में, देखते हैं। मैं जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ डांस। टाइम हो गया खाने का और घर में खाना बनानी है, क्योंकि मम्मी जहाँ आज महिला संगीत है, कल को शादी है, वहाँ मम्मी खाना बना रही है। तो बोला वहीं खाएंगे सारे लोग झोरी भात, शादी की झोरी, और उसका तो मज़ा ही कुछ और है शादी का खाना खाने में। तो अब मैं जाऊँगा, डीजे चल रहा है, देखते हैं। और ठंडा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, बाहर तो हवा चल रही है ठंडी। देखते खाना बना नहीं बना फिलहाल, भाई भाई में होने वाला था पंगा। बताओ ये लोग जा रहा है खाना खाने, क्योंकि मम्मी वही खाना बना रही है। मैंने बताया था आपको शादी वाले के यहाँ आज महिला संगीत है, और ये सेंट परफ्यूम रखा था मेरे रूम में, मेरा भी सेम यही है इसी कलर का, तो ये लगा रहा था ये और दीपांशु। मैंने बोला भाई मेरा क्यों लगा रहा, ये बोला हमारा है हमारा है, अभी लड़ाई हो जाती। तो अलका जी ने अभी छुपा रखा था, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ रखा था। तो यहाँ पे रखा था, इसमें रखा भी है। मैं बोलूँ मेरा है यार, अलका खत्म कर दोगे। तो ये सेम सेम ये है, देखो सेम, फिर पुराना इसमें भी है, लेकिन इसमें ये इनका इनका है, ये से ज्यादा है। तभी ये बोला हमारा फुल है। हालां यही रख दोगे तो यार अब ये आता है, ये यहाँ ऐसे पड़े रहता है, मैं भी यूज करता हूँ और ये भी लगा के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरा ही है। अब यहाँ से ले जाते तो खत्म कर दूंगा, मैं दे नहीं रहा था अभी कि मेरा है। ये लड़ने लगा है छोटा वाला भी, ये पंगा होने वाला था हमारा, ले ले जा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ खाना बनना है, मम्मी लोग खाना बना रही, खाना हो गया तैयार और मेरे को बहुत ज्यादा लग रही भूख। ये देखिए ये झोरी हमारी, क्योंकि झोरी फेमस है हमारे क्या कहते हैं शादियों में, हमारे साथ में झोरी नहीं बनी तो समझ लो खाना बेकार है शादी का। और इसमें सेव भी डले हुए हैं छोटे छोटे, ये रहा भात। मस्त आग चल रही, ठंडा भी लग रहा, मज़ा आ रहा है यहाँ आग सेकने में। और यहाँ चल रहा है डीजे, ये देखिए मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ, वहाँ तो गया नहीं मैं, अभी जाऊंगा तो वहाँ से भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ चल रहा है डांस, अभी खाना खाने आया था मैं, देखने खाना बना नहीं बना। ये तो हमें थाली मिल गई है और भी आ रही है खाना खाने के लिए, पहले खाना खाते हैं। डीजे का डांस नहीं दिखाया वो, दूर से यहाँ से दिखा दिया, बहुत तगड़ा तगड़ा डांस कर रही है वहाँ पे, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। वैसे तो ज्यादा नहीं ले पाता ना, कॉपीराइट आ जाता, मजा नहीं आता है फिर। चलो दिखा देंगे दूसरा रिंग टोन, दूसरी डाल देंगे क्यों। तो साज कहिया ठुमका कहिया हो गए, चलो उससे क्या है। तो सभी लोग बैठने लगे हैं खाना खाने के लिए, जो हमारे समाज में है इसी तरह से आराम से बैठा बैठा के खाना खिलाया जाता है, ताकि एक भी अनाज बर्बाद ना हो। स्टैंडिंग खाना में क्या होता है, कितना सारा खाना बर्बाद हो जाता है, इसलिए हम आराम से बैठ के खाते हैं। ये रही चांदी की थाली, और इससे पहले हुआ करते थे ये जंगल से लाते थे पत्ते, जो हरे पत्ते थे मोरान के पत्ते, वो भी कभी अब तो वो प्रचलन में गर्मा गर्म वो जो कि मम्मी दे रही हैं। और हमारे भाई साहब थाली बांट रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब हाथ धो के पहले अभी आए चाची हैं, ये गर्मा गर्म भात इतना है चूलो खानो है, ये ठंडा हो गया अभी इसको बना। रुक जाओ, सब्जी भी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये कैसा हो गया बराबर गड्ढे में, ये आया सियो, वाह बस 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 बस, अरे बह गया। और ये हमारे सिस्टर, बस बस सभी लोग बैठ गए लाइन से खाने के लिए, कहाँ कहाँ ऐसे खिलाया जाता है ये।
और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, रात के बज गए हैं 10, सोना भी हो, सुबह काम पे भी जाना है। तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं क्योंकि शोर शराबा जैसे हो रहा है डीजे में, ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, अब व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ एक बात और, मैं आपको पिछले ब्लॉग में आपसे मैंने कहा था कि मैं कुआं दिखाऊंगा, वो कुआं दिखाया है, लेकिन वो ब्लॉग मिलेगा आपको अलका कुमाऊनी के चैनल में।